भगवान राम को चैलेंज नहीं आए? कितने चैलेंज आए, भगवान राम के बारे में चैलेंज हमारे पास आ जाते तो कितनी मुश्किल हुई। सुबह रात तिलक होना है और शाम को भैया जाओ 14 साल को, गजब है, हम तो वहीं फैल जाते, ये कोई बात नहीं, आपने प्रॉमिस कर दिया था, हम तो दशरथ का गला ही पकड़ लेते, ये कोई बात होती है, आप कह चुके हो। नहीं, राम ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, और कपड़े भी राजा वाले नहीं पहनोगे, ठीक है। फिर जंगल में लफड़ा हो गया, रावण सीता जी को ले गया, वो निपटते फिरे 14 साल जैसे तैसे काटे, घर में आए तो धोबी का लफड़ा हो गया, अरे राम चैन से अब तो लेने रहने दो। फिर धोबी का सल्टा तो लफकुश का लफड़ा शुरू हो गया। कोई जिंदगी में कितने चैलेंज आए, हम अपने चैलेंज को रोते हुए हैं, हमारे पास क्या चैलेंज है, दुरानी ने कह दिया, जेठानी ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, पापा ने ये कह दिया। मेरा दोस्त तो पता नहीं क्या कहता है, वो मेरी सहेली ना जूस पीने अकेली चली गई, मेरे से कहा भी नहीं तू भी जूस पीने साथ में आ जा। अरे हाँ, ये तो आज टिफिन में ना अब आलू की सब्जी लेके आई थी, उसे दाल लेके आई थी, उसने मेरे से पूछा भी नहीं तू आलू की सब्जी खाएगी कि दाल खाएगी। हम इन चैलेंज में उलझे हैं, राम के चैलेंज तो देख लो, श्री कृष्ण भगवान के चैलेंज तो देख लो, सगा मामा पीछे पड़ गया जान के। हमारा मामा तो पीछे नहीं पड़ा ना जान के, कम से कम चैलेंज है कुछ, बोलो ना एक किसी महान आत्मा में बताओ जिसे धरती में कुछ चमत्कार किए हो, बड़े काम किए, उनको इन चैलेंज तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ा हो। और हम जरा जरा से इन टुनटुनिया से, सुभाष जी अभी चैलेंज आएगा, एसपी भर इतनी देर बोल लिया, मैं थोड़ी देर कम क्यों बोला, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यारे बहुत क्यों बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी चैलेंज आएगा, एक खाना है ना आपका बाहर, इन बेचारों ने व्यवस्था तो बहुत बढ़िया करी है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। फिर तुम वहां गालियां दोगे, ये कोई व्यवस्था है कि हमको बुला लिया, हमको खाने को भी नहीं पूछा। अरे भैया जो मिल रहा है वो तुम्हारा राइट नहीं है, प्रिविलेज है, जो मिल गया वो समझ लेना बहुत अच्छा मिल गया, जो नहीं मिल गया घर जाके खा लेना। हम उनमें उलझे पड़े हैं, और कुछ तो पता है, प्रोग्राम को छोड़ के पहले लग जाएंगे लाइन में, कहीं नहीं मिला तो। अरे तुम आए काय के लिए हो भैया, सोच तो लो, हम इन चैलेंजेस में उलझे हैं। दुनिया में कितने बड़े चैलेंजेस हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है, और जिसके पास चैलेंज इतना बड़ा होता है समझ लेना जीत उसके पास उतनी बड़ी होती है। मैं एक बात कह के खत्म करता हूं, जो मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, बहुत मजेदार स्टोरी है मेरे पास, और आपको उसमें बहुत मजा आना चाहिए शायद, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आ गया तो मैं हिट हो गया, मैं नहीं आया तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना है, पढ़ा है मोहम्मद गौरी को, क्या पढ़ा है बोलो, तो सर मोहम्मद गौरी पढ़ाया होगा आपने, पढ़ा होगा आपने 6ठी क्लास में, बोल तो दो। हाँ, तो कौन था मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी वो था जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए गया 17 बार और हार गया, वो ही था ना सर। अब थोड़ी देर के लिए हम सारे के सारे मोहम्मद गौरी हो जाते हैं, ठीक है, डन। चलो अब हम लड़ने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से, डन। अब हम लड़ने गए पृथ्वीराज चौहान से, हार गए, लौट के वापस घर आ गए, फिर दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हार गए, चौथी बार गए, हार गए, पांचवी बार गए, हार गए। अब बच्चे के मोहल्ले के जो बच्चे थे वो पता है क्या कहने लगे, ए पिटोकड़ा ए पिटके आ गया, हर के आ गया, रे छिछी चल रामू, अपन तो चलते हैं गुल्ली डंडा खेलते हैं। अब आप सोचो, आप मोहम्मद गौरी हो, आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उस मोहम्मद गौरी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और। बेचारा 6ठी बार गया, 7वीं बार गया, हार के आ गया, 8वीं बार गया, हार के आ गया। आप एक कल्पना करना, जब वो लौट रहा होगा हार के, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या समझाता होगा वो। जब 8वीं बार हार के आया तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी अब ये लड़ना मरना प्लीज बंद करो, क्योंकि मैं अपनी
किटी पार्टी में जाती हूँ तो मेरे से मेरी सहेलियां पूछती हैं तुम्हारा मोहम्मद कैसा है, ये क्यों अभी तक ये लड़ता है बार बार, ये क्यों नहीं इसकी समझ में आती है, अब प्लीज रोको ना। मोहम्मद गौरी बोला, मोहम्मद गौरी बोला, प्रिय चिंता मत कर, एक बार अब तो मैं जीत के आऊंगा तो चिंता क्यों करती है। और बेचारा मोहम्मद गौरी गया, फिर नौवीं बार गया, हार के आ गया, दसवीं बार गया, हार के आ गया। अब तो मां बोली, मोहम्मद बेटे मेरे दूध की लाज तो रख ले, ये कब तक जाता रहेगा, कब तक हारता रहेगा, मैं मोहल्ले की औरतों से क्या कहूं। बोलता है, मां एक बार, बेचारा गया ग्यारहवीं बार, मैं आपसे पूछता हूं क्या ताकत होगी, क्या जुनून होगा, क्या पैशन होगा, क्या कॉन्फिडेंस होगा, क्या ड्रीम होगा उसके पास जो इतनी ताकत लेके फिर वो ग्यारह बारहवीं बार लड़ने गया। माई गुडनेस, जस्ट विजुलाइज लोगों के ताने सुन रहा है, लोगों की मजाक सुन रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेचारा एक बार, बारहवीं बार गया, हार के आ गया, तेरहवीं बार गया, हार के आ गया। पिताजी बोले, हे मोहम्मद बंद करे लड़ना मंडना, जाके एक चौराहे पे मोहम्मद किराना स्टोर दुकान खोल ले, मुझे पसंद नहीं है तेरी ये लड़ाई। क्या बोलता होगा, क्या सोचता होगा मोहम्मद गौरी, सोचो जरा, आप मोहम्मद गौरी हो, आप तो छोड़ छाड़ के बैठ जाते चूल्हे में जाए यार। बोलता है, पापा एक बार, तेरहवीं बार गया, हार गया, चौदहवीं बार गया, हार गया, पंद्रहवीं बार गया। जब लौट रहा था तो जो सैनिक है ना, उनमें विद्रोह हो गया, ए भाई मोहम्मद, ए भाई बंकर, बहुत हो गया भाई, हमारी हमारी औरतें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तुझे तो पता नहीं क्या चीज तेरे पीछे पड़ी हुई है, हम नहीं लड़ेंगे। कितना मुश्किल होगा मोहम्मद गौरी को अपने उन सैनिकों को रोकना, समझाना, पुचकारना कि नहीं एक बार। वो कहें, भैया एक बार और क्यों, पंद्रह बार तो तू हार गया, अब तेरे में कौन सी ताकत, भी सोलह बार तू जीत जाएगा, तू कौन सा, तू मां का दूध पी के आ गया, अब आप हो कैसे समझाओगे, सोच लो, बोलना नहीं, सोच लो। माई गुडनेस, मैं जब सोचता हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार क्या आदमी था वो, भगवान जाने उसने कहा एक बार, सोलहवीं बार गया, सत्रहवीं बार गया, हार के आ गया, अब बोलो जाए कि नहीं। छोड़ दें, छोड़ दें, नहीं एक बार, अब की बार मोहम्मद गौरी जीता नहीं। हुआ तो ये था कि पृथ्वीराज चौहान बोला कि भैया तू जीत जा यार, जा भैया, मैंने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा यार, गजब करता है तू, तुझसे कौन जीतेगा, क्योंकि मैं इस बार भी जीत गया तो तू 19वीं बार फिर आ जाएगा, मैं कब तक जीतता रहूंगा, तू जा यार, जीत जा, हो गया बहुत, जा। मोहम्मद गौरी जीता नहीं था दोस्त, पृथ्वीराज चौहान हारा था, और मोहम्मद गौरी जब आया, यस, अब जब वो आ रहा था तो बच्चे बोले, ए मोहम्मद जीत गया, मेरा मोहम्मद जीत गया, मेरा मोहम्मद जीत गया। पत्नी बोली, ए भाई ए सुनो, ए किटी पार्टी हो, सुनो ये पति किसका है। मां बोली, दूध किसने पिलाया था।
पिताजी बोले, आखिर बेटा किसका है? और सैनिक तो फूले नहीं समा रहे, हमारा राजा जीत गया, हमारा राजा जीत गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं मेरे दोस्त, जीत और हार में सिर्फ एक कदम का फासला है, सिर्फ एक कदम का फासला। 17 बार तक बोई मोहम्मद गोरी हार गया, और उसी इतिहास में उसका नाम काले अक्षरों में लिखा जाता कि पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाया और 17 बार हार गया। लेकिन सिर्फ मोहम्मद गोरी एक बार और गया तो उसी इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया कि वो जीत चुका, जीत गया, 17 बार हारा और 18वीं बार में वो जीत गया। ये समझ लेना दोस्त, जीत हार जितनी बड़ी होती है उसके सामने, जीत भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हार थी। मोहम्मद गोरी जीत गया। हो सकता है जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब हमें हार महसूस होगी, जिंदगी में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जब हमको लगेगा कि हम हार चुके। उस वक्त सिर्फ एक चीज याद रखना, एक बार, एक बार, एक बार। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट, थैंक यू।